फरीन रिजवी है एंड मैं ब्लॉगर हूँ और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ. देखिए मैं यहाँ पे पिछले जो सेशन हुआ उसको इससे कनेक्ट करूँगी कि बात हुई कि डायलॉग करें, कम्युनिकेशन करें या ना करें. मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि पहले आपस में डायलॉग करें. जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राइटर्स हैं और सब हैं. अब आप, मैं कराची से हूँ, मैं अपनी कराची की सिचुएशन यहाँ पे रखूंगी कि जो कराची में साल से दो तीन ढाइयों से जो ऑपरेशन हो रहा है उसके बहुत सारे मराहल मैंने भी देखे हैं. यानी कि जो है रेंजर्स और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो आती हैं कराची में हमारे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इलाकों में, गलियों में आके बूट मारते हैं दरवाज़ों पर खोलते हैं और उनसे उनमें पंजाबी में गालियाँ देते हैं, चाहे वो औरतें हों घर में या मर्द हों, बच्चे हों, लड़के. तो मैं कहूँगी कि जो है, और जब हम इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहा जाता है कि तुम अपने आप को महाजर क्यों कहते हो, राइट. तो अब जैसे कि अभी आपने कल भी सुना सूफी साहब ने क्या बोला और आज इन्होंने बोला, तो मैं कहूँगी कि आपस में जो है पहले डायलॉग करके हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं. यानी कि कल तकी साहब ने मुझसे कहा कि आप एक आर्टिकल लिख सकती हैं बलोचिस्तान पर, दो लिख सकती हैं, तीसरा लिखेंगी तो आपको एकदम से हिलाया जाएगा कि क्यों बोल रहे हो वहाँ के लिए आप पारा से. तो एक आर्टिकल अगर सब लिख सकते हैं तो भाई एक एक आर्टिकल हर एथनिसिटी से महाजनों के लिए लिखें, आवाज़ तो उठाएं कि कराची में जो बड़े ज्यादती हो रही है और इसके ऊपर जो है सबको मिलके बोलना चाहिए. तो आपस में डायलॉग पहले करें, एक दूसरे को एक्सेप्ट करें यहाँ पर भी, और सबके लिए एक साथ आवाज़ उठाएं ताकि वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ बने ना. जैसे इन्होंने कहा आसमा ने कि बाहर निकले रोड बैन में, कि ट्विटर और फेसबुक पे फ़ायदा नहीं होगा. ट्विटर फेसबुक से भी फ़ायदा हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे भी अपनी यूनिटी शो करें. अगर अल्ताफ हुसैन ने कह दिया कि मुर्दाबाद, तो भाई मिलिट्री ने उसके ऊपर जो है, मैं तो साफ मिलिट्री बोलूँगी, उसे बहुत हैशटैग चले उनके खिलाफ. तो बहुत सारे ऐसे लोग मैं जानती हूँ जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, उन्होंने उनका पार्ट बने उस हैशटैग का सिर्फ अपना स्टेटस क्लियर रखने के लिए. भाई आप ये भी तो आवाज़ उठा सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने 30 साल के बाद मुर्दाबाद क्यों बोला. अभी ये लोग बहुत साल से बोल रहे हैं, ये लोग सन ऑफ सॉयल हैं ना, आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं. हम सन ऑफ सॉयल अगर नहीं हैं, आप हमें भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप किसको एक्सेप्ट करेंगे. तो